हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये करंट का पार्ट, करंट अफेयर्स आपको अच्छा लग रहा होगा और आप काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप सब्सक्राइब शेयर भी किया करें और कमेंट बॉक्स में आप जो है अपने अनुभव को भी लिखें। आप लिखें आपको कैसा लगता है, आप सजेशन भी दें। जो नए हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो मिलने में दिक्कत ना हो। तो आप आराम आराम से रच रच के पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें, इंटरेस्ट अपना डेवलप करें। तो चलिए नए सवाल लेते हैं हम। कनाडा के केंद्रीय कैबिनेट में जगह पाने वाली महिला और वो हिंदू है, वो कौन है? कनाडा में एक केंद्रीय कैबिनेट में एक हिंदू महिला ने जगह पाया है, उसका नाम क्या है? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। अगर आप जानते हैं तो 5 सेकंड में आप इसका उत्तर करें, नहीं जानते हैं तो वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद फिर से आप सुनेंगे और अपना मूल्यांकन हर वीडियो में आप करेंगे। आप हर दिन वीडियो पुराने से सुनें और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें और आप अपना मूल्यांकन ज़रूर करें। तो कनाडा में वो महिला कौन है जो हिंदू है और सांसद बनी है, कैबिनेट में जगह पाई है? तो उसका नाम है अनीता आनंद, अनीता आनंद। और नेक्स्ट, मालदीव के किस पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के एक मामले में 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है? 5 साल जेल हुआ है भ्रष्टाचार, ये है, दिस इज जस्टिस, किसी किसी कंट्री में तो होता ही नहीं है। तो 5 साल मालदीव में एक राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सज़ा हुई है, उसका नाम बताना है। 5 सेकंड में आप उत्तर करें। तो इनका नाम है अब्दुल यामीन गयूम, बहुत दिन तक राष्ट्रपति रहे, अब्दुल्ला यामीन गयूम वहाँ के राष्ट्रपति थे, गयूम बहुत मशहूर थे ये। नवंबर की बात है, 28 नवंबर को सज़ा सुनाई गई है। और नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीएम मोदी ने रूस को कितनी रकम कर्ज सुविधा, कर्ज के रूप में सुविधा देने का ऐलान किया है रूस को? और ये सितंबर 2019 में कितनी कर्ज देने का ऐलान किया है? 5 सेकंड में आप उत्तर कीजिए। $1 अरब किसको देंगे कॉपरेशन में? रूस को $1 अरब। ये सितंबर 2019 का है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आने वाला एग्जाम सब में जरूर आना चाहिए, वो कौन सा महापुरुष है भारत का जिसकी 150वीं जयंती पर ब्रिटेन ने स्मारक सिक्का जारी किया है? ब्रिटेन ने स्मारक सिक्का जारी किया है, एक महान पुरुष है भारत में, उसकी 150वीं जयंती पे, उसका नाम लिखना है 5 सेकंड में। महात्मा गांधी ने। और चलिए एक सवाल है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना को लॉन्च किया? मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना, 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे। तो ये है मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना।
किस देश ने स्पेस फोर्स के गठन की योजना तैयार की? स्पेस फोर्स, स्पेस में भी फोर्स होगा, स्पेस फोर्स के गठन की योजना तैयार की है? 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे। अमेरिका। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी बेटी, आपकी बेटी एक योजना है, किस राज्य सरकार ने ये योजना चलाई है? आपकी बेटी, बेहतरीन है, राजस्थान, राजस्थान सरकार ने आपकी बेटी एक योजना चलाई है, उनको स्कूल एजुकेशन में सपोर्ट किया है और धनराशि बढ़ाई है जो पहले से थी और ज़्यादा सपोर्ट किया है। भारतीय रेलवे की पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी को किस शहर में खोला गया? भारतीय रेलवे की पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी किस शहर में खोला गया? 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे। मुंबई, मुंबई में खोला गया। और नेक्स्ट, विदेशी कैदियों के लिए देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर कहाँ बन रहा है? CAA को लेकर के काफ़ी उस शहर में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, तो डिटेंशन सेंटर सबसे बड़ा कहाँ बन रहा है विदेशी कैदियों के लिए? तो आप इसका उत्तर करेंगे 5 सेकंड में। तो ये है असम के गोलपारा ज़िले में तैयार हो रहा है, असम के गोलपारा ज़िले में तैयार हो रहा है और इसकी कैपेसिटी होगी 3000 लोग इसमें, इस डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। और नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की जाएगी? राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, 5 सेकंड में उत्तर करें। इसका सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और इसमें पुलिस से संबंधित और भी कोर्स होंगे, लेकिन पुलिस से संबंधित काफ़ी कोर्सेज होंगे। नेक्स्ट, बिहार का पहला महिला डाकघर किस शहर में खोला गया है? पहला महिला डाकघर, तो इसका सही आंसर है पटना, बिहार में महिला डाकघर पटना में खोला गया है पहला। और नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने विजय अमृतम और सहचरी नामक योजनाएं लॉन्च की? विजय अमृतम और सहचरी, ये दो योजना लागू की है किस राज्य में? 5 सेकंड में उत्तर करें, बहुत महत्वपूर्ण है ये। केरल, केरल राज्य में विजय अमृतम और सहचरी, ये दिव्यांगों के सहायता प्रदान के लिए है, विजय अमृतम और सहचरी योजना केरल राज्य ने शुरू किया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 19 दिसंबर 2019 को मुफ्त
वाईफाई सेवा शुरू की है, वाईफाई सेवा मुफ्त शुरू की है, वो सरकार या राजा केंद्र सरकार कौन है? 5 सेकेंड में उत्तर करें आप। वो है दिल्ली। दिल्ली ने मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू करी है।